हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं लौकी की सब्ज़ी एकदम अलग तरीके से और एकदम नए तरीके से। तो मार्केट में हमारे यहाँ किसान लगाते हैं लौकी, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ रखते हैं, तो उससे हम ले आए थे। उसने कहा कि बहुत अच्छी लौकी है, ताज़ी है, तो मैंने कहा दे दो एक लौकी। तो ये 500 ग्राम के करीब लौकी थी हमारी। अब इसको अच्छे से इसको छील लेते हैं इस तरीके से, छीलन से, और इसका जो पीछे का भी उसको भी निकाल देंगे इस तरीके से, फटाफट छील लेंगे। तो हमें तो ये काफ़ी ताज़ी लग रही है, इसमें बीजा वगैरह लगता है कि काट के देखेंगे तो इसमें शायद नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बीजे वाली लौकी होती है उससे इतनी अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती है। थोड़ी पतली ही लीजिएगा तो उससे काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनेगी। तो बीज से इसके दो पार्ट कर लेते हैं इस तरीके से, और इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे इस तरीके से। तो ये बहुत ही कम ऑयल में बन जाता है, बस एक चम्मच ऑयल में ये सब्ज़ी बनकर रेडी होती है और बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी बनती है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कर लेना है सारी लौकी को, फटाफट 5 मिनट में ये बनकर तैयार होती है। तो इस तरीके से हमको कट कर लेना है। तो ये हमारे यहाँ तो इसको लौकी बोली जाती है, आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है? बहुत लोग वैसे दूधी भी कहते हैं, तो हम तो लौकी ही बोलते हैं इसको। आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस तरीके से सारी लौकी को देखिए छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब चलिए इसको वॉश कर लेते हैं। तो सारी लौकी हमारी देखिए कट हो गई है, अब इसको चलिए वॉश कर लेते हैं। तो इसमें हमने ये बाउल में पानी डाल दिया, थोड़ा पानी और डाल देते हैं, और इस तरीके से इसको हम दूसरे प्लेट में निकाल कर इसको वॉश कर लिया है इस तरीके से। तो बहुत देर तक पानी में नहीं पड़ा रहने देंगे, नहीं तो काफ़ी पानी एब्जॉर्ब कर जाएगा। अब ये जो गंदा पानी है उसको हम हटा देंगे। अब चलिए सब्जी को बनाते हैं। तो हम कुकर में बनाएंगे क्योंकि फटाफट बनाना है हमको बहुत ही जल्दी। तो इस तरीके से हम देखिए 1 चम्मच के करीब इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ये हमारे यहाँ ये कड़वा तेल है, आप रिफाइंड ऑयल, अगर जो भी आप ऑयल खाते हों आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सरसों वाला ऑयल है। अब इसमें हम हींग डाल देते हैं, तो थोड़ी 1 पिंच के करीब इसमें हींग डाल देंगे हम। ये देखिए हींग है हमारी, और इसमें कोई मसाला वगैरह भी नहीं डालेंगे, लेकिन ये सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। 1/2 चम्मच के करीब इसमें हम जीरा डाल देते हैं और तड़कने देते हैं, और 2 हरी मिर्च हमने कट कर कर रखी है उसको भी डाल देते हैं और अच्छे से इसको तड़कने देते हैं। तो इस तरीके से हमको भून लेना है। तो बस ये 1 मिनट के करीब इसको भूनना है। अब ये जो हमारी लौकी है इसको, सारी लौकी को इसी में डाल देंगे इस तरीके से। लौकी हमारी गिर रही है, अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट डालेंगे स्वाद अनुसार। इसमें सॉल्ट डाल देते हैं, और अच्छे से इसको चला देते हैं। तो ये बिना मसाले की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। इसमें हम और एक चीज़ मिलाएंगे, वो हम लास्ट में डालेंगे जब ये लौकी बन जाएगी ठंडा करके। अब इसमें हम थोड़ा सा 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देते हैं, और इसमें कोई मसाला नहीं डालेंगे। और इसमें हम अब इसको अच्छे से चला देते हैं, और थोड़ा सा इसमें हम 1/2 कप के करीब इसमें हम पानी डालेंगे। तो बहुत ही ज़रा सा पानी वैसे डाला नहीं जाता है, लेकिन सब्ज़ी लग ना जाए, जल ना जाए, तो थोड़ा सा बिल्कुल डालेंगे, 1/2 कप के करीब, 1/2 कप से भी कम है। और 1 सीटी लगा लेंगे इसको हम, बस 1 सीटी लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं, फुल गैस पे। अब ये देखिए हमारी 1 सीटी आ गई, गैस को करते हैं बंद। अब ये देखिए दूसरे बाउल में इस सब्ज़ी को हम निकाल लेंगे ताकि हमारी सब्ज़ी ठंडी हो जाए। जब ठंडी हो जाएगी तभी हम डालेंगे। तो अब ये देखिए हम कर्ड लेके आए हैं, दही है ये हमारी, तो ये ठंडी ठंडी दही, फ्रिज की दही है। तो इसको हमने
चम्मच से थोड़ा चला लिया था, फिर थोड़ा सा फेंट लिया था। अब इसमें हम इसको डाल देंगे, इससे काफ़ी अच्छा स्वाद और बहुत ही टेस्ट सब बढ़ जाएगा इसका। तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर से डालिएगा, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट रहेगा, एकदम अलग लगेगा। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तड़का बना लेते हैं जीरा और मिर्ची का, और थोड़ा सा हींग और डालेंगे इसमें हम। तो ये देखिए तड़का इस पर हमने डाल दिया है, तो ये बनकर रेडी है। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें।